अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके टीचर शफ़क। आज हम चमेली में सफ़ा नंबर 25, 26 करेंगे, ठीक है। 25, पहले 25 पे तारीख लिख लेते हैं। आज है 17 सितंबर 2020, और पेज नंबर 26 पे भी लिख लेते हैं 17 सितंबर 2020। ये करने के बाद जो होमवर्क है, होमवर्क पे भी साथ ही डेट लिख लेते हैं। सफ़ा नंबर 27 आपका क्या है, होमवर्क है 17 सितंबर 2020, होमवर्क घर का काम, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे, यह बताया हुआ है ऐसे। सीन अलिफ सा, सीन आदिश का एक लाइन के साथ अटैच करके, और अलिफ, सीन अलिफ सा। चलें, अब मैं आपको इसमें क्या सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी। कौन सी, कबूतर जाल ले उड़े। क्या ले उड़े, जाल। कबूतर जाल ले उड़े। अच्छा, ये जो लफ्ज़ लिखे मैंने, ये आपको आने चाहिए। नहीं नहीं वो देखो, आओ आओ खाना खाओ। एक दो तीन, एक दो तीन। चलें, अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किसी जगह पर बहुत से कबूतर रहते थे। बारिश ना होने की वजह से वहाँ दाना उगना ख़त्म हो चुका था। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। वो सब अपने सरदार कबूतर के पास गए। सरदार कबूतर ने कहा, देखो मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ, अगर तुम सब हिम्मत करोगे तो हम अपनी ये जगह छोड़कर कहीं और चलते हैं। यकीनन अल्लाह की ज़मीन पर कहीं ना कहीं दाना ज़रूर मिलेगा। सरदार कौन होते हैं, जो बॉस होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, मामा बाबा होते हैं बड़े, हम उनका कहना मानते हैं ना, उसी तरह से सरदार कबूतरों का सरदार। उसके बाद जहाँ दाना हुआ वहाँ हम अपने घर बसा लेंगे। सब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, हम सब चलते हैं। सरदार ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, हर जगह के दाने पर ना झपट पड़ना। पहले हम गौर से जगह देखेंगे, कहीं दाने के नीचे शिकारी ने जाल तो नहीं बिछाया हुआ। क्या कहा था सरदार ने, हर अगर कहीं दाना आपको नज़र आए तो आप उस पर झपट मत पड़ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी ने वहाँ जाल तो नहीं बिछाया हुआ। अगर जाल ना हुआ तो हम दाना खा लेंगे। सब ने जल्दी से कहा, ठीक है, और वो सब उड़ने लगे। उड़ते उड़ते उनकी नज़र एक मैदान में बिखरे हुए बहुत से दानों पर पड़ी। कितने दानों पर, बहुत से दानों पर पड़ी। वो तेज़ी से नीचे भागने लगे। सरदार ने बहुत आवाज़ें दी, रुकने को कहा, मगर किसी ने ना सुनी और ज़मीन पर जाते ही दाना खाना शुरू कर दिया। सरदार ने उन्हें आवाज़ें दी लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। उन्होंने बात नहीं सुनी तो अब देखते हैं क्या होता है। दाना खाते खाते उन्हें एहसास हुआ कि उनके पंजों में रस्सी बंध गई है। पंजे मीन्स यानी जो उनके पाँव थे, टांगे जो थी उनके, उनमें रस्सी बन चुकी है। किसी शिकारी ने जाल बिछा कर वहाँ दाना डाला था, मगर अब क्या हो सकता है, अब तो वो फंस गए ना सारे कबूतर, क्योंकि उन्होंने सरदार की बात ही नहीं मानी। उन्होंने सरदार कबूतर को देखा जो उनकी वजह से जाल में फंस गया था। बेचारा सरदार भी जाल में फंस गया। आप हमें माफ़ करें सरदार, बताएं अब हम क्या करें। जितने भी कबूतर थे सब ने सरदार से उस वक्त माफ़ी मांगी और कहा, सरदार अब बताएं अब हम क्या करें। उन्होंने सरदार को कहा, सरदार ने सर झुकाकर कुछ देर सोचा, मैं एक दो तीन कहूँगा, सब एक साथ मिलकर उड़ने के लिए ज़ोर लगाएंगे। क्या कहूँगा, एक दो तीन कहूँगा, सब एक साथ उड़ने के लिए जोर लगाएंगे। सब ने यही कहा और ये सब ने यही किया। ये क्या हुआ, सब जाल लेकर उड़ गए।
कुछ देर उड़ने के बाद सरदार ने नीचे उतरने का इशारा दिया। सब उतरे। सरदार ने एक आवाज़ निकाली। पास ही बने हुए बिल से एक चूहा बाहर आया। इन सब का ये हाल देखकर हंसा, बहुत हंसा। चूहा किसका हाल देख के हंसा? सब कबूतरों का हाल देख के बहुत हंसा और अपने तेज़ दांतों से जाल काट दिया। सारे कबूतरों ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और अपने सरदार का भी शुक्रिया अदा किया। तो इसलिए कहते हैं हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है, और आप भी अपने पेरेंट्स की बात लाजमी माना करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।